राजस्थान की राजनीति में एक सवाल हर तरफ घूम रहा है कि क्या सचिन अंत में अपनी पार्टी बनाएंगे और कांग्रेस को छोड़ देंगे। ये सवाल सचिन समर्थक और राजेश पायलट को गुरु मानने वाले और वर्तमान सरकार में कृषि वित्त मंत्री मुरारी लाल मीणा से भी पूछा गया, तो इसका जो जवाब सामने आया उसने सचिन को लेकर क्या सच में पूरी तस्वीर साफ कर दी है। हम आपको बताते हैं कि मंत्री मुरारी लाल मीणा जो सचिन गुट के हैं और सचिन गुट में रहेंगे, वो सचिन की नई पार्टी और सचिन के भविष्य के बारे में पूछे गए सवाल का क्या जवाब देते हैं। दरअसल पार्टी में गुटबाजी की बात स्वीकार करते हुए पायलट के पार्टी बनाने वाली चर्चाओं का भी जवाब दिया। इस दौरान बीजेपी के जन आक्रोश महाघेराव को लेकर जमकर जुबानी हमला भी बोला। मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, ये दरअसल बीजेपी की उपज है। बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाया है, बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं और जनता को पागल बनाते हैं। ये लोग तानाशाही करते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं। पायलट ने भ्रष्टाचार पर बात की, वो बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार पर हमला होते रहना चाहिए। पायलट बड़े जनाधार वाले नेता हैं। यानी मुरारी लाल मीणा के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है कि सचिन पार्टी छोड़ रहे हैं या फिर नई पार्टी बना रहे हैं। मुरारी लाल मीणा ने तो इससे भी आगे बढ़ते हुए कहा कि पायलट के पिता राजेश पायलट कांग्रेस में रहे, रमा पायलट जी भी कांग्रेस में रही और सचिन भी कांग्रेस में ही है। ये हमारे घर की लड़ाई है, इसमें किसी को क्या लेना देना, हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हालांकि मुरारी लाल मीणा ने ये भी माना कि काम के बल पर चुनाव नहीं जीते जाते। दौसा में सरकार ने काम तो दबाकर किए हैं और पूरे राजस्थान में खूब काम हुए हैं। चुनाव के विभिन्न प्रकार के मुद्दे होते हैं जिन पर पार्टी को फोकस करना चाहिए। बीजेपी वाले बड़े चालाक होते हैं और धोखेबाज होते हैं। ये लोग भ्रम फैलाते हैं और जनता को घुमाने में माहिर होते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता सीधे होते हैं, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सचेत रहने की आवश्यकता है। मुरारी लाल ने कहा कि सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए और इसके लिए सचिन की जरूरत है।